आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं चार्ज क्यू की वजह से क्यू इज ए पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन सपोज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पी इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू एज़ पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक विदाउट एक्सलरेशन और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस मूव करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी लेकिन क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि ऐसा ही में यूनिट ऑफ इज कोलम्ब और वन कूलम्ब इतना बड़ा चार्ज होता है कि उसे अगर हम यहाँ कहीं रखें तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज क्यों के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करेगा तो हम क्या करते हैं हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट ए ए इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम औरिजिन हम क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए से ए डैश तक थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स वर्क फाइंड आउट कर लेंगे वर्क स्मॉल वर्क डन टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम ए टू ए डैश फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे टोटल वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी और अगर ये वर्क W है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा P पर W ओवर Q नॉट या uh, W ओवर Q नॉट इट्स लिमिट वेन Q नॉट अप्रोचेज जीरो दरअसल Q नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल सो दैट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेग्लिजिबल चलिए कैलकुलेशंस देख लेते हैं सोर्स चार्ज एट ओरिजिन p is the point at which we want to find out electric potential op is equal to r and op vector is equal to r vector choose two points a and a dash very close to one another uh, so that electric intensity remains constant from a to a dash let e is the electric intensity at a q You is small positive discharge at point a विच इज़ एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम चार्ज क्यू और ओरिजिन दट इज ओ एज इक्वल टू एक्स स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू ए डैश थ्रू स्मॉल डिसप्लेसमेंट डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर एफ वैक्टर क्या है फोर्स ऑन क्यू नॉट एट ए ये किसके बराबर होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है एट पॉइंट ए एज पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज पर फोर्स लगता है e. तो पर कितना फोर्स लगेगा e. यानी इस डायरेक्शन में फोर्स क्यू नॉट ईक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर दिस विल बीवल टू क्यू नॉट ई डी एक्स इन टू कॉस वन एटी क्यू क्यू नॉट पर फोर्स लग रहा है क्यू नॉट ई इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 180 डिग्री और कॉस 180 होता है माइनस वन तो ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई इन टू डी एक्स दरअसल क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में हम इस फोर्स के बराबर फोर्स इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे ताकि क्यू नॉट के ऊपर नेट फोर्स यहाँ जीरो हो जाए और ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में विदाउट एक्सेलरेशन और विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी टोटल वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनी टू पॉइंट पी ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनी टू आर यहाँ ई e की वैल्यू लगा देंगे ई इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई सॉल नॉट इन टू क्यू ओवर एक्स स्क्वेयर ये क्योंकि कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे अंदर रह गया वन ओवर एक्स स्क्वेयर और वन ओवर एक्स स्क्वेयर को न्यूमरेटर में लिख लेंगे एक्स रेस टू पावर माइनस टू एक्स रेज टू पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस वन ओवर माइनस वन ये माइनस वन इधर जा कर के पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ये एक्स रेज पावर माइनस वन इक्वल टू वन ओवर एक्स अपर लिमिट लगा लेंगे वन ओवर एक्स एक्स की जगह आर वन ओवर आर माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है तो ये डब्ल्यू आ गया क्यू नॉट इनटू क्यू फोर पाई साल नॉट इनटू वन ओवर आर यहाँ क्यू नॉट से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया और ये है एज पर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई नॉट सोर्स चार्ज अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम चार्ज क्यू अब क्योंकि ये वर्क है सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वान यूनिट क्या हो जाएंगे वर्क ओवर चार्ज जाउल पर कूलम्ब अगर क्यू पॉजिटिव है तो इधर से भी पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो इन दोनों में रिपल्सिव फोर्सेस सो इफ क्यू इज़ पॉजिटिव फोर्सेस इनवॉल्व आर रिपल्सिव वी इज पॉजिटिव मीन्स वर्क विल बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इफ क्यू इज नेगेटिव फोर्सेस इनवॉल्ड आर अट्रैक्टिव ये सोर्स चार्ज उस केस में uh, क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा वी विल बी नेगेटिव एंड वर्क इज डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस आइए अब देखें कि अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पर नहीं है और किसी और पॉइंट एस पर है अब अगर सोर्स चार्ज एस पर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा वन ओवर फोर पाई अप साइलेंट नॉट क्यू ओवर एस पी एस पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ ट्राएंगे लॉ ऑफ वैक्टर्स से ओ एस वैक्टर प्लस एस पी वैक्टर इज इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल ओ पी वैक्टर यहाँ से एस पी वैक्टर की ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर ये वैल्यू रख करके ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ये मॉडुलस क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी थैंक यू